खबर विकासनगर से है, जहां एक होटल के कमरे में फौजी का शव पंखे से लटका मिला। सूचना पर होटल पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि यह शव पुरोला निवासी फौजी मनीष चंद का है। गोरखा राइफल का यह जवान सिक्किम में तैनात था और छुट्टी बिताने के बाद वापस ड्यूटी जाने के लिए घर से निकला था। इस दौरान विकासनगर में वो होटल में रुका हुआ था, तभी वो कमरे में पंखे से लटका मिला। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। आज प्रातः 8:30 बजे चौकी विकास नगर को सिकंद होटल के कर्मचारी द्वारा अवगत कराया गया कि एक व्यक्ति जो होटल में ठहरा हुआ है वो दरवाज़ा नहीं खोला। इस सूचना पर विकास नगर पुलिस जब पहुँचते गई तो देखा गया कि कमरा अंदर से बंद है और कई बार खटखटाने के बाद भी उसका दरवाज़ा नहीं खुला। तो इस संबंध में धक्का मारकर आदि जब दरवाज़ा खोला गया तो उन्होंने ये पाया कि एक व्यक्ति पंखे पे एक सफेद कपड़े से लटका हुआ। जब उसके दर सामान की छानबीन की गई, जांच की गई, तो पाया गया कि उस व्यक्ति का नाम मनीष पुत्र नैन सिंह, जो कि 23 वर्ष का और गोरखा राइफल्स का जवान है। इस संबंध में उसके परिजनों को सूचित किया गया, वो परिजन पहुँच गए और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ये छुट्टी पर आया हुआ था, जो कि नॉर्थ ईस्ट सिक्किम में पोस्टेड था और वापसी में जा रहा था। कल दिनांक 1 तारीख को वो सिकंद होटल में दोपहर बाद रुका हुआ था और अभी इस संबंध में इतनी जानकारी प्राप्त हुई है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जैसी और जानकारी आएगी।